हेलो एंड वेलकम टू नर्चरिंग होम्स। आज हम बनाएंगे मिलेट को यूज करके क्रिस्पी डोसास एंड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इडलीज। मैं यहाँ पे कोडो मिलेट का इस्तेमाल करूंगी आज, बट इसकी जगह पे आप अपने मनपसंद का कोई भी मिलेट इस्तेमाल कर सकते हैं इन द सेम क्वांटिटी। वी ऑल नो मिलेट्स आर एक्सट्रीमली हेल्दी फॉर अस, सो लेट्स बिगिन मेकिंग दिस। हियर इज द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो हमें लगेंगे इसे बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक कप लिया है कोडो मिलेट। लाइक आई सेड, इसकी जगह पे आप कोई भी मिलेट अपनी चॉइस का यूज कर सकते हैं इन द सेम क्वांटिटी। सो इसे हमें सबसे पहले एक बोल में लेके अच्छी तरीके से धो लेना है। जनरली हम मिलेट्स को सिर्फ एक ही बार वॉश करते हैं ताकि उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बनी रहे। कोडो मिलेट को स्पेशली जब आप वॉश करते हैं तो उसमें से एक डार्क ब्राउनिश सा वाटर निकल के बाहर आता है। आप चाहे इसे 5 या 6 बार भी क्यों ना वॉश कर लें, ये इसी तरीके से डार्क वाटर बन के निकलता है। इट इज एडवाइज्ड कि मिलेट्स को हमेशा एक ही बार वॉश करना चाहिए। सो डोंट वरी अबाउट दिस ब्राउन वाटर। तो इसे भी हम अच्छे से एक बार वॉश कर लेंगे और उसके बाद हमें इसे सोक करके रखना है फॉर अबाउट 8 आवर्स या फिर ओवरनाइट। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 1/4 कप गोटा उड़द दाल। आप इसकी जगह धुली उड़द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 टीस्पून मेथी दाना। इन दोनों चीजों को मैं एक साथ एक ही बोल में ले लूंगी और अच्छे तरीके से वॉश कर लूंगी। इन दोनों चीजों को भी वॉश करने के बाद हम भिगो के रख देंगे फॉर 8 आवर्स या फिर ओवरनाइट। सो यहाँ पे ये दोनों चीजें अब मैं ढक के रख देती हूँ ओवरनाइट भिगोने के लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप नोटिस करेंगे कि ये दोनों ही चीजें अच्छी तरीके से फूल चुकी हैं और अपने वॉल्यूम में डबल हो चुकी हैं। नोटिस कीजिए यहाँ पे कि कोडो मिलेट का जो पानी है इस समय भी ब्राउन कलर का ही है। दिस इज नेचुरल, सो डोंट वरी। अब 1/3 या 1/2 कप भर के मैंने यहाँ पे लिया है थिन वेराइटी ऑफ पोहा। मेक श्योर कि आप एकदम कप को लेवल करके पोहा मेजर नहीं करें, अच्छे तरीके से भर के लें इसे। तो यहाँ पे पोहा भी धोने के बाद मैं इसे थोड़े से पानी में भिगो के रख दूंगी। पोहे को भीगने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। जब तक हम बाकी की चीजें ग्राइंड करेंगे तब तक हमारा पोहा भी रेडी हो जाएगा ग्राइंड करने के लिए। अब सबसे पहले मैं ग्राइंड करूंगी कोडो मिलेट को। तो इसे ग्राइंड करने से पहले ये जो पानी है जिसमें हमने इसे भिगो के रखा था वो मैं फेंकूंगी नहीं, वो मैं एक बोल में सेपरेटली निकाल के रख लेती हूँ। इसी पानी का मैं इस्तेमाल करूंगी इसे ग्राइंड करने के लिए। लेकिन ग्राइंड करने के लिए हमें बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए मैं पानी यहाँ पे सेपरेट कर रही हूँ और जितना पानी लगेगा थोड़ा थोड़ा करते करते ही मैं यूज करूंगी ग्राइंड करने के लिए। अब इस मिलेट को हम डाल लेते हैं मिक्सर ग्राइंडर जार में इसको ग्राइंड करने के लिए। अभी मैं इसमें इनिशियली पानी नहीं डालूंगी, इसको बिना पानी के ही ग्राइंड करूंगी। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम थोड़ा थोड़ा करते करते ही इसमें पानी डालेंगे ताकि पानी ज्यादा ना हो जाए ब्लेंड करते वक्त। एंड वापस से मैं इसको ब्लेंड करूंगी। मेक श्योर दैट यू टेक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम लाइक 2-3 मिनट्स टू ब्लेंड दिस, ताकि हमें इसका एकदम स्मूथ और फाइन पेस्ट मिल जाए। बीच बीच में मिक्सी का लिड खोल के इसको अच्छे से स्टर कर लीजिए, साइड्स स्क्रेप आउट कर लीजिए और अगर जरूरत पड़े तो और पानी डाल के इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। दिस विल डेफिनेटली टेक सम 2-3 मिनट्स टू बिकम अ स्मूथ एंड अ फाइन पेस्ट। अब देखिए दिस हैज बीन स्मूथली ब्लेंडेड एंड एज यू कैन नोटिस ये पेस्ट बिल्कुल भी लिक्विडी नहीं है, मैंने इसे थिक ही रखा है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी वॉन्ट इट। इसको मैं अब निकाल लेती हूँ एक सेपरेट बोल में। अब इसके बाद हम ग्राइंड करेंगे बाकी की सारी चीजें। यहाँ पे ये भीगी हुई उड़द दाल और मेथी दाना, इसको मैं ब्लेंडर जार में ले लेती हूँ और इसी के साथ भीगा हुआ पोहा भी डाल दूंगी। पोहे में अपना मॉइस्चर है तो ये मॉइस्चर हमें मदद करेगा उड़द दाल को ग्राइंड करने में। हमें एडिशनल पानी की शायद इसमें जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो वो कोडो मिलेट वाला पानी ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं
इसे ग्राइंड करने के लिए। बट मेक श्योर कि आप थोड़ा थोड़ा करते करते ही पानी को डालेंगे इसे भी ग्राइंड करने के लिए। इसे भी हमें बहुत अच्छे से ग्राइंड करना है फॉर अ गुड 2-3 मिनट्स, ताकि ये मिक्सचर लाइट और फ्लफी हो जाए। जब आप ब्लेंडर जार खोल के देखेंगे तो दिस ऑलरेडी लुक्स वेरी लाइट एंड फ्लफी। लुक एट दिस। इसको भी हम मिलेट के साथ सेम बोल में निकाल लेते हैं। अगर आप नोटिस करें तो ये बैटर यहाँ पे काफी थिक है। इसको हमें ऐसे ही रखना है, इसको पतला नहीं करना है, तभी हमारी इडली सॉफ्ट बन के आएंगी। इसमें ऐड करेंगे हम नमक स्वाद अनुसार, और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद इसे छोड़ देते हैं हम अब फर्मेंट होने के लिए ओवरनाइट, या फिर 10 से 12 घंटे के लिए। अगर गर्मियों का टाइम है तो फर्मेंटेशन के लिए 10 घंटे बहुत होते हैं, लेकिन अगर सर्दियां हैं तो आप इस बैटर को किसी गर्म जगह पे रख दीजिए, जैसे कि आपका ओवन हो गया, या फिर इसे एक गर्म कंबल में लपेट के रख दीजिए। कभी कभी सर्दियों में फर्मेंट होने के लिए 12 से 14 घंटे भी लग जाते हैं। आफ्टर अराउंड 10 आवर्स यू विल नोटिस कि ये बैटर बहुत अच्छे तरीके से फर्मेंट हो चुका है। लेट मी शो यू अ क्लोजर लुक ऑफ दिस बैटर। दिस बैटर लुक्स वेरी लाइट, एयरी एंड फ्लफी। दिस इज परफेक्ट फॉर मेकिंग डोसास एंड इडलीज। लेकिन फर्स्ट डे व्हेन दिस बैटर इज फर्मेंटेड, तो मैं इडलीज बनाना पसंद करती हूँ, एंड लेटर ऑन ड्यूरिंग द वीक यू कैन मेक डोसास विद दिस। दिस बैटर कैन ईजली बी स्टोर्ड इन योर रेफ्रिजरेटर फॉर द नेक्स्ट 3-4 days ऑल्सो। द बैटर इज ऑफ थिक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी। दिस इज परफेक्ट फॉर मेकिंग स्पेशली इडलीज। अगर बैटर की कंसिस्टेंसी इससे पतली होगी तो डोसास तो फिर भी बन जाएंगे, लेकिन इडलीज सॉफ्ट एंड स्पंजी बनके बिल्कुल नहीं निकलती हैं। सो मेक श्योर यू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली सो एज टू गेट सॉफ्ट एंड स्पंजी इडलीज एंड क्रिस्पी डोसास। सो लेट्स बिगिन मेकिंग इडलीज नाउ। फर्स्ट बैटर को मैं ग्रीस्ड इडली प्लेट्स में डाल दूंगी, एंड दीज गो फॉर स्टीमिंग फॉर अबाउट 15 मिनट्स इन द स्टीमर। उसके बाद मैं गैस को बंद कर दूंगी and let these idlis sit in the steamer for another 10 minutes. Steamer mein pani already garam ho chuka hai. In goes these idlis for steaming now. And look at this now. The idlis are now ready. Look how beautiful they are. You can easily make out ki ye bahut hi soft and spongy bani hai. Let me give you a closer look of these idlis. Make sure that you demold these idlis only when they are completely cooled down. Perfect texture in idlis ka, soft and spongy, and perfect healthy breakfast to kickstart your mornings. So do try out this recipe and share your pictures with us on Facebook or Instagram. Dono hi jagah hamara ID hai by the name Nurturing Homes. Now the idlis are done. Let's begin making dosas. Dosa banane ke liye hame batter thoda sa patla chahiye. In fact, running consistency ka batter works best for dosas. So isi batter mein main thoda sa pani dal ke ise patla kar lungi. If you want, to is samay aap thoda sa namak bhi dal sakte hain as per your taste. Main additional salt add nahi karungi. Ab garam tawe ko main grease kar leti hoon oil ke saath. Aap ghee ka bhi istemal kar sakte hain. क्योंकि तवा बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, तो मैं इस पे थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके इसे क्लीन किचन टॉवल से पोंछ लूंगी। और अब बैटर को एक बार मैं अच्छे से हिला लूंगी और इस गर्म तवे पे इसे इवनली स्प्रेड कर दूंगी। थोड़ा सा ऑयल या घी इसके साइड्स पे और ऊपर भी ड्रिजल कर दीजिए। मैं तवे को थोड़ा बहुत हिलाते हुए इस तरीके से पकाऊंगी ताकि हर तरफ से ये इवनली कुक हो जाए। रेस्टोरेंट की तरह बहुत बड़े बड़े तो चूल्हे घर पे होते नहीं हैं। इस तरीके से जब आप तवे को हिलाते हुए पकाते हैं तो डोसा इवनली और बहुत अच्छे तरीके से कुक होता है। उसकी ब्राउनिंग हर तरफ से इवनली होती है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि ऊपर से ब्राउन होना शुरू हो गया है। जस्ट चेक, अगर डोसे ने तवे के साइड छोड़ दिए हैं देन यू कैन फ्लिप इट ओवर एंड दिस इज नाउ रेडी। डोसा मैंने बहुत ही ज्यादा पतला बनाया है, सो इफ यू वांट आपको दूसरी तरफ कुक करने की जरूरत नहीं है, दिस इज रेडी टू बी सर्व्ड। वरना कुछ सेकंड्स के लिए आप दूसरी तरफ से भी क्रिस्प और ब्राउन इसे कर सकते हैं। सो एंजॉय दिस यमी एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी।
And when you try this recipe, don't forget to tag us on Facebook or Instagram. Our ID is by the name Nurturing Homes. If you love watching our videos, do like, share and comment. Subscribe to Nurturing Homes and hit the bell icon next to it so you're notified whenever we upload our next video. Thank you for now. Keep smiling, keep watching, and I'll see you in my next recipe soon. Bye-bye.